मध्य प्रदेश में ज्योतिरा सिंधे जैसे बड़े नेता को गवा चुकी कांग्रेस के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में जो घटनाक्रम हुए वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल मिलते जुलते थे। राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना सचिन पायलट की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर सरकार को सड़क पर घेरा। वहीं कांग्रेस आलाकमान को अंदाजा था कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान हो सकती है और इसलिए अशोक गहलोत को राजस्थान से हटाकर केंद्र की राजनीति में तैनात कर दिया गया। इसके बाद सचिन पायलट के लिए सीएम पद का रास्ता साफ दिख रहा था और उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी को हैरान करते हुए लोकसभा के 2 उपचुनाव हरा दिए। लेकिन जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उठी। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने हैरान करते हुए आखिर में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले दोनों नेताओं के समर्थक के बीच में खूब खींचतान भी हुई। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान किया ताकि किसी भी तरह की बगावत को रोका जा सके। सचिन पायलट के बयान के पीछे कांग्रेस आला कमान को नसीहत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से अलग होते ही सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग होते देखना दुखद है। काश चीजों को पार्टी के अंदर ही साथ मिलकर सुलझा लिया गया होता। उनके इस बयान में कांग्रेस आला कमान को नसीहत दिखाई दे रही है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।